morning, my dear friends and the students who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K. C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of entomology, I will deliver my talk on exocrine glands of insects. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, एंटोमोलॉजी की आज की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में इंसेक्ट में पाई जाने वाली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे मैं आपसे चर्चा करूंगा. सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन वेरियस टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन एन इंसेक्ट. अब क्वेश्चन है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है. इससे पहले के व्याख्यान में एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे मैंने आपसे चर्चा की थी. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जिनके सिक्रीशन किसी नलिकाओं के द्वारा या तो बॉडी के बाहर स्रावित होते हैं या किसी स्टोर करने वाले ऑर्गन्स में या कोई विसरल स्पेस होती है वहाँ पर ये सिक्रीट हो जाते हैं. अब इंसेक्ट में कई प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लेकिन इनके क्लासिफिकेशन से पहले मैं बेसिक जो संरचना है, बेसिक जो सेलुलर कंटेंट है इन ग्लैंड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा. तो यहाँ पर ये जो ग्रंथियाँ होती है इंसेक्ट में, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये बेसिकली दो टाइप होती है. एक तो डायरेक्ट ओपनिंग वाली, एक इनडायरेक्ट ओपनिंग वाली. डायरेक्ट ओपनिंग वाली जो ग्रंथियाँ होती है वो डायरेक्ट बॉडी के बाहर एक कैनाल के द्वारा, एक डक्ट के द्वारा खुलती है. इसलिए इंसेक्ट की जो स्किन होती है उसमें छोटे छोटे अपर्चर्स पाए जाते हैं. यदि इंसेक्ट की इंटेगमेंट का सेक्शन यदि आप स्लाइड में आप देखो तो उसके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट अपर्चर्स आपको दिखाई देते हैं, और ये अपर्चर इन डक्ट ग्लैंड्स के होते हैं. जबकि इनडायरेक्ट ओपनिंग वाली जो होती है ये क्या होती है, स्किन के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होती है. अब ये जो ग्रंथियाँ हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर भी हो सकती है, दोनों ही टाइप है. कई बार एक सिंगल सेल होती है, वो सिंगल सेल ही अपने आप में एक ग्रंथि का काम करती है. कई बार एक जैसी नेचर वाली कोशिकाओं का एक ग्रुप बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है, और कोशिकाओं का ये जो क्लस्टर है ये अपने आप में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का कार्य करता है. तो यहाँ पर ये हिस्टोलॉजिकल डायग्राम जैसे यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये जो फिगर है ये इनडायरेक्ट ग्लैंड्स का है. और इसमें आप देख रहे हो ये जैसे सेल है, सेल है जो एक्सोक्राइन प्रोडक्ट का सिक्रीशन करेगी. इस सेल के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इस सेल के जस्ट ऊपर ये क्यूटिकल है. अब ये जो कोशिकाएं होती है इनके अंदर एपिकल सरफेस के ऊपर सूक्ष्म विलाई पाई जाती है, और जिन कोशिकाओं में विलाई पाई जाती है तो डेफिनेटली उन सेल्स में या तो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है या उनमें सिक्रीशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पर माइक्रोविलाई इस बात को इंडिकेट करती है कि ये सेल जो है इनकी नेचर है वो सिक्रेटरी टाइप की है. अब इनमें जो केमिकल्स जो होंगे, अब क्वेश्चन है कि इन ग्रंथियों से जो जो भी प्रोडक्ट सिक्रेट होते हैं उनकी केमिकल नेचर क्या है. अब ये केमिकल प्रोटीन के रूप में भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में भी हो सकते हैं, लिपिड के रूप में भी हो सकते हैं, और कोई स्टेरॉइड प्रोडक्ट के रूप में भी हो सकते हैं. तो जिस तरह की केमिकल नेचर होगी उसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इन कोशिकाओं में सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं. मान लीजिए कोई सेल प्रोटीन नेचर के सब्सटेंस को सिक्रीट करती है तो डेफिनेटली इन कोशिकाओं में राइबोसोम की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलेगी, और जो कोशिकाएँ वसीय प्रकृति के फैटी नेचर के सब्सटेंस का सिक्रीशन करती है उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा ज़्यादा होती है, और न्यूक्लियस जो होता है इनमें हाईली डेवलप्ड होता है. क्योंकि प्रोटीन कंटेंट यदि है तो डेफिनेटली इसमें न्यूक्लियस में उपस्थित जीन्स का रोल होता है. तो कई बार तो कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर पॉलीटिन टाइप के क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और पॉलीटिन क्रोमोसोम आप जानते हो कि हज़ारों की संख्या में फिलामेंट्स होते हैं, उनके अंदर बैंड्स होते हैं, और एक साथ एक बैंड के सारे जीन हैं एक्टिव होते हैं, और इनॉर्मस क्वांटिटी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. अब जबकि डायरेक्ट टाइप की जो सेल्स हैं,
अब डायरेक्ट टाइप में क्या होगा, इन कोशिकाओं से एक सूक्ष्म नलिका निकलती है, एक माइन्यूट डक्ट निकलती है, और ये डक्ट स्किन के बाहर जाकर खुलती है। तो ये डायरेक्ट टाइप का जैसे सेक्शन दिखाया मैंने सेल्स का, ये इनडायरेक्ट टाइप का कनेक्शंस दिखाया है। तो बेसिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दो टाइप की होगी, एक तो डायरेक्ट ओपनिंग वाली और एक इनडायरेक्ट ओपनिंग वाली। कई बार ये भी होता है कि सेल और क्यूटिकल के बीच में एक खाली स्पेस भी होता है, ए हॉलो स्पेस, और उस खाली स्पेस के अंदर इनका जो सिक्रिटी प्रोडक्ट होता है वो वहाँ पर एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और फिर डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा ये बॉडी के बाहर स्रावित हो जाते हैं। अब इनके द्वारा जो प्रोडक्ट जो सिक्रिट होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड से, ये प्रोडक्ट पाउडर के रूप में भी हो सकता है, वोलेटाइल सब्सटेंस के रूप में भी हो सकता है, फ्लूइड के रूप में भी हो सकता है, और गैस के रूप में भी हो सकता है। तो इनमें जो सिक्रीशन की जो फिजिकल नेचर है वो सॉलिड रूप में भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, गैस के रूप में भी हो सकती है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इन सेल्स का। अब अपन चलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की टाइप के ऊपर। तो इंसेक्ट में पाई जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये मुख्यतः 8 प्रकार की हैं, वैक्स ग्लैंड, सेकंड इज लाग ग्लैंड, थर्ड इज सिफेले ग्लैंड, फोर्थ इज सिल्क ग्लैंड, फिफ्थ इज रिपंगनेटोरियल ग्लैंड, सिक्स्थ इज अट्रैक्टेंट ग्लैंड, सेवंथ इज पॉइजन ग्लैंड, और आठवीं टाइप की है इसमें सेक्स एसेसी ग्लैंड्स। तो इंसेक्ट में पाई जाने वाली जो एक्सोक्राइन ग्रंथियां हैं उनको 8 बेसिक टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। वैक्स ग्लैंड जो कि मोम का स्राव करती है, लाग ग्लैंड जो कि लाग का स्राव करती है, सिफेलिक ग्लैंड्स ये सिफेलिक रीजन्स में पाई जाती है और मेनली डाइजेशन से रिलेशन रखती है, सिल्क ग्लैंड जो होती है ये रेशम का स्राव करती है, रिपंगनेटोरियल जो ग्लैंड है ये दुर्गंधकारी पदार्थों का सिक्रीशन करती है, अट्रैक्टेंट ग्लैंड जो है ये फेरोमोन का सिक्रीशन करती है और उसके कारण मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉइजन ग्लैंड जो होती है ये वेनम का स्राव करती है जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं, और सेक्स एसेसी ग्लैंड जो होती है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती है और रिप्रोडक्शंस के दौरान इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। अब प्रत्येक ग्लैंड्स के मुख्य मुख्य लक्षण और इसके एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे फर्स्ट टाइप है वैक्स ग्लैंड, वैक्स का मतलब मोम, और मोम आप जानते हो कि ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का मिक्सचर होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल होता है, 3 मॉलिक्यूल इसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, और फैटी एसिड्स में कार्बन की संख्या कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। इंसेक्ट में वैक्स ग्लैंड जो होती है ये होमोप्टेरा के सदस्यों में पाई जाती है, कॉक्सोइडिया के सदस्यों में पाई जाती है, एफिडोइडिया के सदस्यों में पाई जाती है। अब ये जो ग्रंथियाँ होती है ये ग्रंथियाँ मोम का स्राव पाउडर के रूप में भी कर सकती है, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, सूक्ष्म क्लॉथिंग थ्रेड के रूप में भी स्राव करती है, सूक्ष्म धागे रूपी रचनाओं के रूप में, और पतली लैमिला के रूप में भी स्राव करती है। और ये जो ग्रंथियाँ होती है ये यूनिसेलुलर टाइप की होती है, और इसी वैक्स की वजह से इंसेक्ट की जो त्वचा होती है वो एकदम चिकनी होती है। तो कई बार आपने देखा होगा इंसेक्ट कोई जैसे बैठा है और है उसकी स्किन के ऊपर, उसके पंखों के ऊपर आप पानी के एक ड्रॉपर से या एक बूंद डालो तो ये पानी की बूंद जो होती है वो इसके स्किन के साथ अटैच नहीं होती है, यानी इसके अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी है, हाइड्रोफ्यूज प्रॉपर्टी है, और कोहेसिव नेचर जो होती है वो इन वैक्स मॉलिक्यूल्स के कारण होती है।
क्योंकि वैक्स है तो स्किन एकदम चिकनी हो गई और इसकी सरफेस जो है वो हाइड्रोफोबिक टाइप की हो जाती है। तो ये फर्स्ट टाइप की ग्लैंड है, वैक्स ग्लैंड। और इंसेक्ट में धूप के अंदर या यदि आप फोटो खींचते हो किसी इंसेक्ट का, तो आप देखते हो उसकी स्किन के ऊपर एक अलग तरह की चमक होती है। जिस तरह जूतों पर अपन वैक्स पॉलिश करते हैं, मोटरसाइकिल पर पॉलिश करते हैं, कार पे जैसे वैक्स पॉलिश करते हैं, पॉलिश करते ही उसकी सरफेस पे एकदम है एक तरह की जो शाइनिंग होती है, चमक जो होती है वो आ जाती है। अब सेकंड टाइप की जो ग्लैंड है, लाख ग्लैंड जो होती है, ये लाख के इंसेक्ट में पाई जाती है। इसका जोलॉजिकल नेम है ल्यूसिफर लेका। तो लाख जो इंसेक्ट होता है ल्यूसिफर लेका, हाँ, इसके अंदर ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और लाख जो है तो ये अपने इंडियन कल्चर में जैसे चूड़ियाँ जो होती है, पाटली जो होते हैं, फोटो फ्रेम्स होती है, पेन के सेंट्स होते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में लाख का कम से कम 200 करोड़ का बिजनेस है, 200 करोड़ से भी ज़्यादा है। और विशेषकर राजस्थान का जो बाड़मेर का जो एरिया है, झालावाड़ का जो एरिया है, उदयपुर का जो एरिया है, यहाँ पर लाख के इंसेक्ट काफ़ी संख्या में मिलते हैं। अब ये जो लाख होती है, इसका जो मेन कंपोनेंट है उसके अंदर रेजिन होता है, वैक्स के मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं और कलर पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्योंकि अलग अलग इंसेक्ट में लाख का जो रंग है वो अलग अलग है, किसी में ब्राउनिश टाइप का है, किसी में येलोविश टाइप का है, किसी में रेडिश टाइप का है, किसी में ग्रीनिश टाइप का है, लेकिन मेन जो लाख के जो कॉन्स्टेंट हैं उसमें रेजिन है, मॉम है, प्रोटीन है, कलर है। और ये जो इंसेक्ट होते हैं ये ऐसे पौधों पे निवास करते हैं जिन पौधों में गोंद का बहुत स्राव होता है कम और रेजिन का बहुत स्राव होता है। तो जहाँ जंगलों में गोंद सिक्रीट करने वाले जो पौधे होते हैं, जैसे अपने एरिया में यहाँ पर नीम का जैसे गोंद निकलता है, नीम जो है उसके स्टेम में आप थोड़ा सा कट लगा दो उसके अंदर गम का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। है यहाँ पर कत्थे के पेड़ बहुत है, आप पास में रामगढ़ से ढांढण जैसे जाओ तो वहाँ पर 10 किलोमीटर में कम से कम कत्थे का एक फॉरेस्ट है, बहुत डेंस फॉरेस्ट। अब उस कत्थे के द्वारा भी गोंद निकलता है, इसको सर्दियों में गोंद के लड्डू जैसे बनाने में काम में लेते हैं। तो ये इंसेक्ट ऐसे प्लांट्स में पाए जाएंगे जिन प्लांट्स में गम का सिक्रीशन होता है, रेजिन का सिक्रीशन होता है। और कई बार ये इंसेक्ट ऐसे पौधों में भी पाए जाते हैं जिनके अंदर लेटेक्स का स्राव होता है। लेटेक्स है वो एक तरह का रबर है, एक तरह का केमिकल है, जैसे अपने आंकड़ा जो होता है कैलोट्रोपिस। अब कैलोट्रोपिस के स्टेम को आप काटो उससे वाइट कलर का दूध निकलता है, लेटेक्स जो होता है। तो ये सेकेंड टाइप की ग्लैंड है, लेक ग्लैंड। और लेक ग्लैंड ल्यूसिफर लेका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये लाख का स्राव करता है, इसका कमर्शियल यूज है। और इंडिया में लेक कल्चर का अलग से गवर्नमेंट की बॉडी है, अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंडियन लेक बोर्ड है, इंडियन सेरिकल्चर बोर्ड है, और पूरे इंडिया में इसका बहुत बड़ा बिजनेस है, इनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पर ये कमर्शियल ट्रेनिंग इनकी दी जाती है। और जो आदिवासी जो लोग हैं वो लाख को कलेक्ट करते हैं और इनका चूड़ी बनाने में, पाटले बनाने में इनका बहुत बड़ा यूज होता है। तीसरी टाइप की जो ग्लैंड है, दैट इज सिफेलिक ग्लैंड। अब सिफेलिक में नाम से स्पष्ट है, ये ग्रंथियाँ सिफेलिक रीजन्स में पाई जाएगी, क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड है। सबसे आगे हेड होता है, उसके पीछे थोरेक्स होता है, उसके पीछे एब्डोमन होता है। तो सिफेलिक रीजन में यानी हेड के अंदर जो ग्रंथियाँ पाई जाती है उन ग्रंथियों को सामूहिक रूप से सिफेलिक ग्लैंड्स का नाम दिया है। अब ये ग्रंथियाँ भी तीन सब टाइप्स की हैं, है मैंडिबुलर ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड और लेबियल ग्लैंड। मैंडिबुलर ग्लैंड नाम से स्पष्ट है कि इंसेक्ट के मैंडिबल से संबंधित है। और ये ग्रंथियां पाई जाती है एटेरिगोटा के अंदर, आइसोप्टेरा के सदस्यों में, कोलियोप्टेरा के सदस्यों में, ट्राइकोप्टेरा के अंदर और हाइमनोप्टेरा के अंदर। और ये जो ग्रंथियां होती है ये एक प्रकार के अलार्मिंग सब्सटेंस का सिक्रीशन करती है, चेतावनी देने वाले
फिरोमोन्स का ये स्राव करती है, और कई बार इन ग्रंथियों के द्वारा क्वीन सब्सटेंस है वो भी स्रावित होता है। क्वीन सब्सटेंस जो होता है वो मधुमक्खी में रानी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो मैंडिबुलर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन एटेरिगोटा, आइसोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, टाइकोप्टेरा एंड इन सम मेंबर्स ऑफ हाइमनोप्टेरा। दे सिक्रीट अलार्मिंग फिरोमोन्स एंड दे ऑल्सो सिक्रीट क्वीन सब्सटेंस। सेकेंड सब टाइप है इसमें मैक्सिलरी ग्लैंड्स। अब मैक्सिलरी नाम जो है वो मैक्सिला से रिलेटेड है, क्योंकि इंसेक्ट के जो माउथ पार्ट होते हैं उसके अंदर मैंडिबल्स भी होते हैं, मैक्सिला भी होती है, लेबियम भी होते हैं। तो ये जो ग्रंथियां है ये मैक्सिला से संबंधित होती है, और इसके जो मेन एग्जांपल है उसके अंदर कॉलम्बोला, प्रोट्यूरा और न्यूरोप्टेरा, इन ऑर्डर के सदस्यों के अंदर ये ग्रंथियाँ जो है वो पाई जाती है। और ये ग्रंथियाँ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट का स्राव करती है, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है इसमें दैट इज लेबियल ग्लैंड, और ये मेनली इंसेक्ट की एक तरह से पाचन ग्रंथियाँ होती है, लगभग सभी इंसेक्ट्स में पाई जाती है, दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल इंसेक्ट्स। और ये क्या होते हैं कि इंसेक्ट के हेड में दोनों तरफ ये ग्रंथियाँ होती है, इन दोनों ग्रंथियों से एक एक डक्ट निकलती है, दोनों डक्ट आगे जाके मिल जाती है और एक कॉमन लेबियल डक्ट बनती है जो कि माउथ की प्री ओरल ओपनिंग के अंदर, प्री ओरल कैविटी के अंदर जाके खुल जाती है। तो ये एक तरह से सलाइवा का स्राव करती है, एक तरह से पाचक एंजाइमों का स्राव करती है, और इस ग्रंथियों का जो सिक्रीशन होता है उसके अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है, इनके अंदर इन्वर्टेज एंजाइम होता है, इनके अंदर प्रोटीएज एंजाइम होता है, और इनके अंदर लाइपेज एंजाइम होता है। तो ये तीन प्रकार की सिफेलिक ग्लैंड्स इंसेक्ट में पाई जाती है, मैंडिबुलर ग्लैंड्स, मैक्सिलरी ग्लैंड्स और लेबियल ग्लैंड्स। और ये ग्रंथियाँ चूँकि हेड रीजन में है इसलिए इसको सामूहिक रूप से सिफेलिक ग्रंथियों का नाम दिया है। अब चौथी टाइप की जो ग्लैंड्स हैं दैट इज सिल्क ग्लैंड, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर इंसेक्ट है सिल्क मॉथ यानी बॉम्बिक्स मोराई, शहतूत का कीड़ा भी इसको बोलते हैं, मलबरी सिल्क भी बोलते हैं, हैं आजकल अरंडी के जो पौधे हैं उसके ऊपर भी इन इंसेक्ट को डेवलप किया जाता है। तो सिल्क मॉथ जो होते हैं, सिल्क मॉथ के अंदर जो लेबियल ग्लैंड होती है ये लेबियल ग्लैंड सिल्क ग्लैंड्स के अंदर मॉडिफाई हो जाती है, और इन ग्रंथियों से सेरिसिन का स्राव होता है, फाइब्रोइन का स्राव होता है, क्योंकि रेशम है वो एक तरह का प्रोटीन्स है, अपनी बॉडी में जो बाल हैं ये भी प्रोटीन्स है, केराटिन प्रोटीन्स हैं, और रेशम के कीड़े से जो रेशम निकलता है वो भी एक तरह का प्रोटीन्स है, और इस धागे के अंदर दो मेन प्रोटीन्स इसके अंदर निकलेंगे, एक तो सेरिसिन और एक फाइब्रोइन, और इसके सिक्रेशन के लिए गॉल्जी बॉडी जो होती है ये उत्तरदायी होती है। तो सिल्क मोथ में क्या होता है कि अंडे से जैसे लार्वा बनेंगे, लार्वा फिर प्यूपा में कन्वर्ट होंगे, और लार्वा जब प्यूपा में कन्वर्ट होता है तो लार्वा लेबियल ग्लैंड के द्वारा ये सिक्रेशन करता है, और ये अपने हेड को इस तरह यूँ घुमाता है, तो जो धागा बन रहा होता है वो इस पूरे लार्वा के चारों तरफ इस तरह यूँ लिपट जाता है। तो इस तरह जब ये लिपटेगा तो पूरा लार्वा धागे के द्वारा क्या होता है, सराउंडेड हो जाता है, और ये ढकी हुई जो रचना होती है ये प्यूपा कहलाती है। तो सिल्क वर्म, सिल्क जो प्राप्त करने की जो टेक्निक है उसको सेरिकल्चर बोलते हैं, और सेरिकल्चर में क्या होता है कि लाखों की संख्या में इन प्यूपा को कलेक्ट करते हैं, इनको गर्म पानी के अंदर उबाला जाता है ताकि प्यूपेरियम के अंदर जो प्यूपा है उसकी डेथ हो जाए, और फिर एक एक प्यूपेरियम से, एक एक प्यूपा के आवरण से ये सिल्क का जो धागा है ये निकलता है, और एक प्यूपेरियम जो होता है उससे कम से कम 1000 मीटर लंबा यानी 1 किलोमीटर लंबा रेशम का जो धागा है वो निकलता है, और कई कोकोन के धागे से मिलकर इनकी फिर स्पिनिंग होती है, और बहुत बढ़िया क्वालिटी का, एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो रेशम होता है जिसकी मार्केट में रेट कम से कम 5000 रुपये के जी, 10000 रुपये के जी होती है। तो इंडिया के अंदर इंडियन सेरिकल्चर बोर्ड है वो बना हुआ है, और सेरिकल्चर में किसानों को विशेषकर ट्रेनिंग दी जाती है, और ये भी एक अच्छा बिजनेस है, विशेषकर मैसूर के अंदर, बेंगलोर के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, हैदराबाद के अंदर इसका कमर्शियल यूज है, और शहतूत के जो खेत होते हैं उनमें इन कीटों की रियरिंग की जाती है,
और आजकल कैस्टर के जो प्लांट है, अरंडी के जो पौधे हैं, उन अरंडी के पौधों पे भी इन कीटों को पाला जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड इज रीपंगनेटोरियल ग्लैंड। अब ये जो ग्रंथियां हैं ये दुर्गंधकारी केमिकल्स का स्राव करती है, एक तरह से प्रतिकर्षक, एक तरह से रेपलेंट प्रकार के जो सब्सटेंस है उनका सिक्रीशन करती है। ये ग्रंथियां मेनली पाई जाती है हिट्रोप्टेरा के सदस्यों में, एडिफेगा में, आइसोप्टेरा के सदस्यों में। और ये जो ग्रंथियां हैं एक तरह की ये डर्मल ग्लैंड्स होती है, दीज आर ए टाइप ऑफ डर्मल ग्लैंड्स। और ये हाइड्रोकार्बन टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स हैं, व्युत्पन्न हैं, उनको ये स्राव करती है। और इनका जो सिक्रीशन होता है ये चेतावनी देने वाले पदार्थ के रूप में काम करता है, एक्ट्स एज ए अलार्मिंग सब्सटेंस। और ये जो ग्रंथियाँ होती है ये एनस के निकट खुलती हैं और दिमाग के अंदर जो नाश्यूट्स जो होते हैं, नाश्यूट के द्वारा इनका स्राव होता है। और इनका जो मेन केमिकल नेचर है वो टर्पिन है और रेजिन है, क्योंकि एनएस के निकट, गुदा के निकट ये ग्रंथियाँ पाई जाती है। और इनका जो फिरोमोन है वो दुर्गंधकारी होता है, एक तरह से प्रतिकर्षक का वो कार्य करता है, एक तरह से वो रेपलेंट का कार्य करता है। तो बहुत ही नॉसियस स्मेल जो होती है वो इन केमिकल्स के द्वारा रिलीज की जाती है। नेक्स्ट टाइप इज अट्रैक्टेंट ग्लैंड। अब अट्रैक्टेंट ग्लैंड नाम से स्पष्ट है कि ये आकर्षण के लिए उपयोग में होती है। और ये ग्रंथियाँ मेनली लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में, बटरफ्लाइज हैं, मौत हैं, इसके अलावा कॉलियोप्टेरा है जिसके अंदर मेनली बीटल्स होती है, उनके द्वारा ये सिक्रीशन श्रावित किए जाते हैं। और इनका जो श्राव होता है ये कई किलोमीटर तक काम करेगा। कई बार ये देखा है कि खेतों में जो बटरफ्लाइज होती है, मौत होती है, इनके द्वारा हवा में जो सेक्स अट्रैक्टेंट श्रावित किए जाते हैं वो एक एक दो दो किलोमीटर तक काम करते हैं। और एक किलोमीटर दूर भी अपोजिट सेक्स का कोई मेंबर हो तो वो इस सुगंध के कारण अट्रैक्ट होकर फीमेल की तरफ आ जाता है। तो इनके जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूरी तक ये काम करते हैं। और कोहिशन ऑफ कॉलोनी, ये कॉलोनी के सभी सदस्यों को एक साथ एग्री करने में इसका यूज होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शंस में यह इसका यूज होता है, कॉर्टशिप को प्रेरित करने में इसका यूज होता है, मेटिंग प्रक्रिया को प्रमोट करने में इसका यूज होता है। और ये ग्रंथियाँ शरीर के अनेक भागों में ये पाई जाती है। तो जितने भी इंसेक्ट है, पर्टिकुलरली बटरफ्लाइज, मौत और बीटल्स, इनके सदस्यों में इन फिरोमोन्स का स्राव होता है। ये फिरोमोन मेल के द्वारा भी सीक्रेट होते हैं, फीमेल के द्वारा भी सीक्रेट होते हैं। इनके केमिकल नेचर अलग अलग है और जितनी ज़्यादा मात्रा में केमिकल सीक्रेट होगा उसका इफेक्ट उतनी ही दूर तक होगा, क्योंकि इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी जो एफिकेसी है वो इसकी सांद्रता के समान पाती है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में साबित हो रहा है तो हो सकता है 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर भी है ये प्रभावी हो, इफेक्टिव हो। नेक्स्ट टाइप इज पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड जो होती है ये मेनली हाइमनोप्टेरा के सदस्यों में है, जिसमें हनी भी है जैसे वास्प है, लेपिडोप्टेरा के सदस्यों में जिसमें पर्टिकुलरली मौत जैसे होती है, उनके अंदर इन पदार्थों का स्राव होता है। और ये जो ग्रंथियां हैं एक तरह की रिप्रोटेक्टिव ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन होती है, ये ओविपोजिटर के साथ संबंधित होती है। और मधुमक्खी में जैसे इनसे जो केमिकल निकलता है वो मेलिटिन है, मधुमक्खी का जो पॉइजन है, मधुमक्खी बाइट करती है तो बॉडी के अंदर ये मेलिटिन को इंजेक्ट करती है। इसी तरह वेस्पा के काटने से काइनिन मॉलिक्यूल है वो बॉडी के अंदर पेंटेट करता है। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एलर्जी रिएक्शंस को भी प्रेरित करते हैं, यूट्रिकेरिया को भी प्रेरित करते हैं। यूट्रिकेरियम क्या होता है कि स्किन के अंदर एक तरह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्किन लाल हो जाती है, स्किन में सूजन आ जाती है। तो कई बार देखा होगा अपने को जब पहली बार मधुमक्खी काटती है, वेस्प जो टांटिए जिसको बोलते हैं, टांटिए जब ये काटते हैं तो पूरी स्किन रेडिश कलर की हो जाती है और जहाँ मधुमक्खी ने काटा है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। और ये स्वेलिंग इस केमिकल की वजह से है, मेलिटिन और काइनिन। और इसके अंदर, इसके कारण बॉडी के अंदर क्या इन्फ्लेमेशन होता है, यानी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है धमनियों में,
इन्फ्लेमेशन के बाद में डायपेडासिस की घटना होती है, और डायपेडासिस में क्या होता है, ब्लड वेसल से WBCs होती है, वो स्क्वीज होकर इस वेनम के चारों ओर कलेक्ट हो जाती है, और फिर ये WBC इस वेनम को फैगोसाइटोसिस के द्वारा उसको अपने अंदर ले लेती है। इसका धीरे धीरे डाइजेशन होता है, तो जो जो डाइजेशन होगा सोजन धीरे धीरे कम हो जाता है, और लास्ट में वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्किन में खरूंट के द्वारा, क्योंकि पुरानी स्किन उतरती है, उस पुरानी स्किन के द्वारा इस वेनम का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो धीरे धीरे बॉडी से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। और कई बार बहुत ज़्यादा संख्या में हनी बी की बाइट से, वेस्पिक बाइट से मनुष्य की डेथ भी हो जाती है, तो इसके लिए एंटी वेनम के जैसे इंजेक्शन होते हैं वो आजकल लगते हैं, क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी है उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हनी बी ने बाइट कर लिया, वेस्ट ने बाइट कर लिया, तो इसके एंटी वेनम के इंजेक्शन हैं वो भी लगते हैं। और एंटी वेनम है वो एक तरह की एंटीबॉडीज है, ये एंटीबॉडीज़ है एंटीटॉक्सिन सही मान लो, और ये इस वेनम की टॉक्सिसिटी जो होती है उसको ये उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और लास्ट टाइप की जो ग्लैंड है दैट इज सेक्स एसेसी ग्लैंड्स। अब ये जो ग्रंथियाँ होती है ये जननांगों से संबंधित होती है। अब मेल के अंदर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं, फीमेल के अंदर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं। तो नर के अंदर 1 से 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती है, 1-3 पेयर। ये ग्रंथियाँ नलिकाकार भी हो सकती है, सैक लाइक भी हो सकती है, और ये ग्रंथियाँ कई बार स्पर्मेटोफोर का भी निर्माण करती है। स्पर्मेटोफोर में क्या होता है कि एक तरह का फ्लूड सिक्रेशन होता है, और उस फ्लूड सिक्रेशन में हजारों की संख्या में शुकाणु आके आपस में चिपक जाते हैं, तो शुकाणु एक तरह से गेंद बन जाती है, एक तरह से स्फेरिकल बॉडी बन जाती है। ये शुकाणु की स्फेरिकल बॉडी जो होती है ये स्पर्मेटोफोर के नाम से जानी जाती है, और ये जो है ये रिड्यूस रिसेप्टिविटी ऑफ फीमेल। तो कई बार फीमेल में जो रिसेप्टिविटी है यानी मेल को एक्सेप्ट करने की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी ये कम करता है, क्योंकि इंसेक्ट में जब एक बार मेटिंग होगी तो इनके स्पर्म काफ़ी समय तक फीमेल बॉडी के अंदर ये जिंदा रहते हैं। जैसे ड्रोसोफिला में देखें तो ड्रोसोफिला में तो कई महीने तक ये जो शुकाणु होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर जिंदा रहते हैं। फीमेल में जो सेक्स ग्लैंड शो होती है ये वेजाइना के डिस्टल पार्ट में खुलती है, ओपन इनटू डिस्टल पार्ट ऑफ वेजाइना, और ये एग पैड और ऊथिका के निर्माण के लिए मटेरियल प्रोवाइड करती है, और काइरोनोमस लार्वा में ये जिलेटिनस सब्सटेंस का स्राव करती है जो अंडों के चारों ओर एकत्रित हो जाता है, और अंडे की जो सरफेस होती है उसको ये चिपचिपा बना देता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक इंसेक्ट में 2 ओवरी है, एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल है, और प्रत्येक ओवेरियोल से एक एक अंडा है वो निकलता है। तो कई बार आप पौधों की पत्तियों के ऊपर इंसेक्ट का डिपोजिशन देखो है तो आपको जनरली 16 अंडे 2 पंक्तियों के अंदर दिखाई देंगे, और ये पत्ते जो होते हैं इनको पत्ती पे चिपकाने का जो काम है वो इस जिलेटिन युक्त सब्सटेंस के द्वारा किया जाता है जो कि फीमेल की एसेसी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है। तो ये एक नट सेल में इसका बेसिक जो क्लासिफिकेशन, और एक बार मैं इसको फिर रिपीट कर दूँ बहुत ही शॉर्ट में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जिनके अंदर डक्ट पाई जाती है, और इनके सिक्रेशन या तो बॉडी के बाहर स्रावित होते हैं या स्किन के नीचे कोई वैक्यूम है, कोई खाली स्पेस है, उसके अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, और ओपनिंग के आधार पर ये ग्रंथियाँ डायरेक्ट ओपनिंग वाली होती है, इनडायरेक्ट ओपनिंग वाली भी होती है। ये ग्रंथियाँ यूनिसेलर भी हो सकती है, मल्टीसेलर भी हो सकती है, और इन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित जो पदार्थ हैं वो प्रोटीनेशियस भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन का भी हो सकता है, वसीय प्रकृति का भी हो सकता है, स्टीरॉयड नेचर का भी हो सकता है, वॉलेटाइल भी हो सकता है, वाटर सोल्यूबल भी हो सकता है, सॉलिड के रूप में भी, पाउडर के रूप में भी स्रावित होता है, गैस के रूप में भी स्रावित होता है, फ्लूइड के रूप में भी स्रावित होता है। और इंसेक्ट की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनको 5 बेसिक टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज वैक्स ग्लैंड जो कि मोम का स्राव करती है, सेकेंड इज लाक ग्लैंड जो कि लाक का स्राव करती है, सिफेलिक ग्लैंड्स जो कि सिफेलिक रीजन में प्रजेंट होती है और मेनली पाचन से संबंधित होती है, सिल्क ग्लैंड जो है ये लेबियल ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है और ये रेशम का स्राव करती है,
रिपंगनेटोरियल जो ग्लैंड है ये जेनाइटेलिया के निकट पाई जाती है और प्रतिकर्षक दुर्गंध युक्त पदार्थों का स्राव करती है। अट्रैक्टन ग्लैंड जो होती है ये अपोजिट सेक्स के मेंबर को आकर्षित करने का अट्रैक्ट करने का कार्य करती है। और पॉइजन ग्लैंड जो होती है ये मेनली हाइमनोप्टेरा के सदस्यों में हनी बी में वेस्पा में पाई जाती है और इनसे वैनम जो होता है वो श्रावित होता है। और सेक्स एसेसी ग्लैंड जो है ये जननांगों के साथ संबंधित हैं। नर की जो ग्रंथियाँ हैं वो स्पर्मेटोफोर के निर्माण से एसोसिएटेड होती है और फीमेल की जो ग्रंथियाँ होती है वो जिलेटिनस सब्सटेंस को श्रावित करती है और अंडों की सरफेस है उसको वो चिपचिपा बनाती है ताकि सरफेस के ऊपर ये अंडे जो हैं वो अटैच हो जाएं एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ के कारण। तो ये बहुत ही शॉर्ट में आज का अपना एक व्याख्यान नटसेल में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ एन इंसेक्ट। और मैं ऐसा करता हूँ ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा और फिर भी कोई किसी भी तरह के कोई क्वेरी हो क्वेश्चन हो तो आप निसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक बार अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे कॉलेज की तरफ से मेरी तरफ से आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।